नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी इनकम के केस में, इनकम हो या लॉस दोनों ही केस में कैसे आप आईटीआर को फाइल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, आज बताने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी के इनकम के केस में कैसे आप आईटीआर फाइल करेंगे। देखो यहाँ पे मैं आईटीआर 2 बताने वाला हूँ, जब आपकी सैलरी इनकम प्लस क्रिप्टो करेंसी इनकम होगी, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी इनकम एक कैपिटल गेन इनकम के अंदर आती है, ठीक है। तो जब क्रिप्टो करेंसी इनकम और सैलरी इनकम है तो उस केस में आईटीआर 2 फाइल करेंगे। जब आपकी बिजनेस इनकम है प्लस क्रिप्टो करेंसी से इनकम है, जो कि ये भी कैपिटल गेन का पार्ट होता है, वर्चुअल डिजिटल एसेट से इनकम बनती है ये, तो उस केस में आप आईटीआर 3 फाइल करेंगे। बिजनेस इनकम प्लस क्रिप्टो करेंसी इनकम आपको आईटीआर 3 फाइल करना है, सैलरी इनकम प्लस क्रिप्टो करेंसी इनकम आईटीआर 2 फाइल करना है। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आईटीआर 2, जहाँ पे एसएससी के पास सैलरी इनकम है प्लस क्रिप्टो करेंसी से इनकम है, जो कि क्रिप्टो करेंसी इनकम एक कैपिटल गेन का पार्ट है। तो चलिए आज बताऊंगा कि कैसे आप क्रिप्टो करेंसी के केस में आईटीआर को फाइल करेंगे। सबसे पहले आपको फाइल नाउ पर जाना है, उसके बाद यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर 23-24, और यहाँ पे ऑनलाइन फाइल करने वाले हैं, ऑनलाइन पे टिक कर लेना, कंटिन्यू क्लिक करेंगे, और यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल ले लिया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, आईटीआर 2 फाइल करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड विद आईटीआर 2, तीन स्टेप्स होते हैं, इन तीन स्टेप्स को फॉलो करना होता है आपको। पहले स्टेप में वैलिडेट करेंगे रिटर्न में, दूसरे में कन्फर्म, तीसरे में वेरीफाई। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब पूछता है कि रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं, क्या रीज़न है। तो आईटीआर फाइल कर रहा हूँ, मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, इसलिए मैं आईटीआर फाइल कर रहा हूँ। अगर आपके ये वाला ऑप्शन नहीं है, सेकंड वाले ऑप्शन में जाते हैं, जहाँ पे ये बोलते हैं कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के 7th प्रोविजन को कंप्लाई करते हैं, इनमें से किसी भी ऑप्शंस को कंप्लाई करते हैं, तो उस रीज़न को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको नहीं पता तो अदर पे भी सेलेक्ट करके आगे फाइल कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अभी देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जर्नल, इनकम, डिडक्शंस, टैक्स और अदर, ठीक है। चलिए इसको एक एक करके फिल करेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहला तो आता है जर्नल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे 15 शेड्यूल है बता रहा है ये आपको, कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन पूछता है कि क्या न्यू टैक्स रिजीम को आप ले रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं, नहीं, नो कर दिया, फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर सैलरी से रिलेटेड एग्जेम्पशन के बारे में पूछता है कि क्या आपकी सैलरी इनकम में कोई एग्जेम्पशन है सेक्शन 10 के अंदर, तो कोई एग्जेम्पशन है तो वो दे सकते हो, मेरी कोई एग्जेम्पशन नहीं है इसलिए मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर डिडक्शंस में पूछता है कि आपकी डिडक्शंस कौन कौन सी है, 80C की है, 80D की है, 80E की है। देखो 80C में आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो, LIC, PPF, 5 ईयर वाली डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, उन सब का डिडक्शन ले सकते हो। तो आपको कोई डिडक्शन है तो यस कर दोगे, उसके बाद आप डिडक्शन की डिटेल दे दोगे, 1.5 लाख तक की डिडक्शन आपको मिल जाएगी 80C में। 80D का कोई डिडक्शन है, मेडिक्लेम लिया हुआ है, मेडिकल एक्सपेंडिचर है तो उसका डिडक्शन ले सकते हो, मेरा यहाँ पे नहीं है कोई भी, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप यस नो करके अपनी डिडक्शन की डिटेल दे सकते हो, ओके कर दिया। अब देखो ये इतने सारे शेड्यूल्स हैं, इन सबको आपको कंफर्म करना पड़ेगा, डिटेल्स भरनी पड़ेगी, अगर कोई डिटेल होती है किसी शेड्यूल में, अदरवाइज उसको कंफर्म करना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ करिए और इसको समझते हैं कि कैसे कैसे फाइल करना होगा। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, मैं इसको दिखाऊंगा नहीं, पब्लिकली दिखा नहीं सकते, पर्सनल डिटेल होती है। जनरल इन्फॉर्मेशन में ही आपको फाइलिंग स्टेटस आता है, वो देख लेना, वो मैं दिखा दूंगा आपको। देखो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन होगा, ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, वैसे ऑटोमेटिक ही आ जाता है इसके अंदर जब आप ऑनलाइन पे जाते हो तो। उसके बाद नीचे आओगे, रेजिडेंशियल स्टेटस में पूछ रहा है तो यहाँ पे रेजिडेंट है, कौन से कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हो, पहले कंडीशन को, 182 दिन या उससे ज़्यादा मैं इंडिया में रहा हूँ, ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस का। फिर बोलता है कि क्या आप सेक्शन 115H का बेनिफिट ले रहे हो, नहीं, नो कर दिया। क्या आप एक FII है, नहीं, नो कर दिया।
फिर डायरेक्टरशिप है किसी कंपनी में, नहीं अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को हेल्ड किया हुआ है, नहीं नो, सेव पे क्लिक कर देंगे। फाइलिंग स्टेटस ओके हो गया, बैंक इन्फॉर्मेशन में आएंगे, बैंक की डिटेल्स को बैंक को ऐड करके इसको सेलेक्ट करेंगे रिफंड के लिए, ये सेलेक्ट कर लिया, अभी कंफर्म कर देंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन हमारी कंफर्म हो गई, सैलरी वाले शेड्यूल पे आते हैं, मेरी इनकम सैलरी से है तो मैं इसको भरूंगा। चलिए आ जाते हैं शेड्यूल पे। सबसे पहले हमें सैलरी की डिटेल भरनी पड़ेगी, ग्रोथ सैलरी पूछ रहा है, ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयर का नेम, जहाँ से भी आप सैलरी ले रहे हैं वो आपको एम्प्लॉयर का नेम लिखना पड़ेगा, जैसे फिर यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, उसके एड्रेस की डिटेल भरनी पड़ेगी। एम्प्लॉयर किस टाइप का है तो अदर कर लिया, उसके बाद सैलरी बेसिक सैलरी है कितनी है, हमारी जो सैलरी इनकम है वो 20,000 रुपये पर मंथ है, मतलब 2,40,000 रुपये साल का है, ठीक है। इसके अलावा कोई और प्रोक्विजिस्ट वगैरह नहीं है, इसको हटा देंगे, ना ही कोई अलग से कोई बेनिफिट है। अभी ऐड पे क्लिक करूँगा। ब्रेकअप के बारे में बोल रहा है कि ब्रेकअप दे दो, तो ब्रेकअप तो कुछ है ही नहीं, बाकी देख लेते हैं उनके क्या डिटेल है। बेसिक सैलरी हो गई, ये है ही नहीं तो इसको यस कर दो भाई जी। अभी सेव करते हैं, ठीक है। अभी सैलरी हमारी 2,40,000 रुपये आ गई, और यहाँ पे इसके अलावा कोई आपका अलावेंस है, कोई एग्जेम्पशन है, कोई रिलीफ है 89A के अंदर वो भर सकते हो, कोई अलावेंस एग्जेम्पशन नहीं है मेरा। तो देखो 50,000 का एक्सटेंडेड डिडक्शन मिल गया, जो नेट इनकम हो गई सैलरी से वो 1,90,000 की हो गई, कंफर्म कर दिया। आगे बढ़ेंगे, अभी कैपिटल गेन की इनकम आ गई, ठीक है, जो आपकी कैपिटल इनकम से बनी है। तो यहाँ पे हमारी इनकम किससे बनी है, हमारी इनकम बनी है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से, क्रिप्टो करेंसी की इनकम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में जाती है। तो कैपिटल गेन वाले शेड्यूल में आएंगे। सो दोस्तों, शेड्यूल कैपिटल गेन की बात करें तो शेड्यूल कैपिटल गेन में हमारी जो इनकम बनी है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से बनी है, क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में रख दिया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो कोई भी नहीं है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के शेड्यूल का, इसलिए इसे इन सबको अनटिक कर देना। अगर आपकी शेयर कैपिटल से भी बनती है इनकम, मतलब शेयर मार्केट से बनती है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनी है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन टिक कर लेना, जहाँ से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम को दोगे। कैसे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ITR फाइल करोगे स्टॉक मार्केट के केस के अंदर, मैंने पहले ही चैनल पर बता रखा है, चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हो। अभी कंटिन्यू पर करेंगे क्लिक, क्योंकि यहाँ पे मेरी कैपिटल गेन की इनकम वर्चुअल डिजिटल एसेट से बनी है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से नहीं बनी है, तो मैंने इसके शेड्यूल को भरा नहीं है अभी, क्योंकि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का शेड्यूल ही अलग है। अब देखो, आपकी इनकम कैपिटल गेन में ही काउंट होती है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का, मतलब क्रिप्टो करेंसी का, ये देखो ये इनकम कैपिटल गेन में ही काउंट होती है, लेकिन इसके लिए शेड्यूल जो है VDA वो भरना पड़ेगा, कॉलम नंबर 7 से उठ के आता है ये। तो शेड्यूल VDA पे चलेंगे, ये हम शेड्यूल किस पे भर रहे हैं, कैपिटल गेन के शेड्यूल पे हैं, हमें इस शेड्यूल पे जाना होगा, शेड्यूल VDA क्या करेंगे कंफर्म कर देंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, इनकम जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, तो उस वाले शेड्यूल को देखना पड़ेगा। शेड्यूल VDA देख लेते हैं, तो सारे शेड्यूल है नहीं इसमें, वीडियो वाला शेड्यूल मिसिंग है, क्या करना है आपको, ऐड मोर शेड्यूल पे जाओगे, देख लो, चेक कर लो कि कौन सा शेड्यूल नहीं है। इनकम के शेड्यूल के अंदर बात करें तो शेड्यूल VDA यहीं कहीं होना चाहिए, देखो ये रहा शेड्यूल VDA, इस पे टिक करोगे तो ये शेड्यूल आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, कंटिन्यू कर दोगे, कंटिन्यू करेंगे फिर ये प्रोसेस सारा शुरू से ही लेगा ये,
जैसे हमने शुरू में भरा था। चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। अभी आगे सब शेड्यूल, जनरल इन्फॉर्मेशन दे दिया, सैलरी की डिटेल, कैपिटल गेन को कंफर्म कर दिया, शेड्यूल 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए होता है ये। हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ही नहीं, देखो इसको कंफर्म मारो, बस करना ही नहीं कुछ इसमें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है तो आपको भरनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे उसका CSV टैम्पलेट है, वो अपलोड करना पड़ेगा आपको, एक्सेल में बना के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपलोड करोगे। तो शेड्यूल 112 ए को कर दिया कन्फर्म। अभी शेड्यूल VDA पे आते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे, यहाँ आ गए। अभी ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहीं पे हमारी क्रिप्टो करेंसी की डिटेल जाएगी, इनकम की डिटेल। तो सबसे पहले आपको डेट ऑफ एक्विजिशन देनी पड़ेगी, मतलब जिस दिन आपने उस करेंसी को परचेज किया। तो मैंने पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसको परचेज किया 1 जुलाई 22 को, और बेच दिया मैंने इसको पिछले फाइनेंशियल ईयर में 7 जनवरी को। कैपिटल गेन बनी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था, मतलब कि जो परचेज़ कर लिया आपने उस एसेट को, क्रिप्टो करेंसी को, उसकी परचेज वैल्यू क्या थी। तो परचेज वैल्यू थी इसकी 10,000, ठीक है, और मैंने इसको बेचा 25,000 में, ठीक है। कंसिडरेशन जो रिसीव हुआ 25,000 का, यानी 15,000 का मेरी इनकम बन गई डिजिटल एसेट्स में। और अगर आपके लॉस का केस होता है, मान लो आपने जो बेचा वो लॉस में गया, तो लॉस के केस में आपको यहाँ पे कंसिडरेशन वैल्यू निल भरनी पड़ेगी, मतलब 0 इसमें एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस के केस में आपको यहाँ पे डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देख सकते हैं मेरी इनकम बन गई 15,000 रुपये, किससे, वर्चुअल डिजिटल एसेट से, मतलब क्रिप्टो करेंसी से। अभी ऐड पे क्लिक करूँगा, देखो ये इनकम आ गई वर्चुअल डिजिटल एसेट से। ये देखो यही इनकम मेरी ट्रांसफ़र होती है कैपिटल गेन के अंदर कॉलम 7 से। अभी कंफर्म पे क्लिक करेंगे, मैं आपको आगे दिखाता भी हूँ। देखो ये कैपिटल गेन की इनकम है, यहीं आपको दिखेगी, ये हटा लो, ये इसकी डिटेल तो है ही नहीं हमारे पास, इक्विटी वाली, शेयर्स वाली है बेसिकली, ये इसकी डिटेल ही नहीं है। ITR 2 के शेड्यूल भी बहुत सारे हैं, इसलिए इसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। ITR 3 तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। देखो 15,000 की इनकम आ गई मेरी, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जो कि क्रिप्टो करेंसीज है। ये देखो इसके ऊपर अब टैक्स लगेगा, और इसका टैक्स रेट स्पेशल रेट होता है, ठीक है, स्पेशल रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर आपकी कोई इनकम अदर सोर्स से है, जैसे बैंक से इंटरेस्ट इनकम है, या कोई और अदर इनकम है, जैसे डिविडेंड इनकम है, या किसी और प्रकार की इनकम है, तो उसकी डिटेल को भर सकते हो। मेरी यहाँ पे अदर इनकम कोई भी नहीं है, 0 है, तो मैं इसके शेड्यूल को कंफर्म कर दूंगा। आपकी होती है तो आप यहाँ पे भर के ऐड मोर पे जाके भर सकते हो। अब आता है डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस। करंट ईयर का कोई लॉस है तो उसको सेट करने के बाद जो इनकम बनेगी उसकी डिटेल आती है। तो करंट ईयर का हमारा लॉस है नहीं कोई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कोई लॉस बनेगा तो यहाँ दिख जाएगा आपका, करंट ईयर के अंदर प्रॉफिट ही बना है, लॉस कोई है नहीं। अगर कोई आपका लॉस बनता है तो वो यहाँ पे दिखाएगा कि लॉस को सेट करने के बाद इनकम क्या बनी है। फिर उसके बाद आता है डिटेल ऑफ पास्ट ईयर लॉसेस टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड और करंट ईयर लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। जो पास्ट ईयर का लॉसेस है वो ब्रॉट फॉरवर्ड होगा और करंट ईयर का लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होगा, उसकी डिटेल यहाँ पे आती है। तो इस तरह की भी डिटेल हमारी नहीं है कोई, बस आपको इसको देखना है और कन्फर्म करना है। यहाँ से कंप्यूट सेटअप पे क्लिक कर दो, कंटिन्यू कर दो, कोई लॉस होगा तो सेट हो जाएगा, हमारा लॉस ही नहीं है। अभी नीचे आते हैं, डिटेल ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर। इस वाले शेड्यूल में लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं फ्यूचर ईयर में, कोई लॉस है ही नहीं, तो कंप्यूट सेटअप पे क्लिक कर दो,
आगे आ जाओ, शेड्यूल स्पेशल इनकम। ये स्पेशल इनकम की शेड्यूल है जहाँ पे टैक्स स्पेशल रेट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। इस शेड्यूल को देखना है आपको, दिखाता हूँ, आ जाओ। स्क्रॉल करके नीचे आओगे और जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको देखो ये रहा, ये बना दी इसने आपकी इनकम स्पेशल रेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर स्पेशल रेट के अकॉर्डिंग इनकम लग टैक्स इनकम टैक्स लगता है सेक्शन 115BH के अकॉर्डिंग। तो इस पर 30% सीधा टैक्स लगा रखा है, इनकम जो भी बनी उसके ऊपर 30% का टैक्स लगा दिया, मतलब 4500 तक का टैक्स लगा दिया इसने, जो कि क्रिप्टो करेंसी से इनकम बनी है। तो जब क्रिप्टो करेंसी से इनकम बनेगी 30% का सीधा टैक्स लगेगा जो कि स्पेशल रेट का है। 4500 का टैक्स बन गया है। अभी लोग सोच रहे होंगे कि यार मेरे को ये टैक्स भरना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं 12500 तक का टैक्स का रिबेट मिल जाता है। अभी सैलरी इनकम भी है तो उसको भी जोड़ के देख लेंगे क्या इनकम टैक्स बनता है, वो आगे कंपटीशन वाले शेड्यूल में बनेगा। हालांकि मुझे लगता है इस केस में टैक्स भरना नहीं पड़ेगा क्योंकि रिबेट मिल जाएगा। डिडक्शंस की डिटेल आती है, डिडक्शन वाले शेड्यूल पे आ जाए तो यहाँ पे अगर कोई आपकी डिडक्शन है जैसे 80C में, 80D में, 80G के अंदर, 80C में 1.5 लाख तक का डिडक्शन, 80D के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस मेडिक्लेम जहाँ पे 25,000 और 50,000 के आसपास का डिडक्शन मिलता है, सीनियर सिटीजन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग मिलता है, तो कोई डिडक्शन है आपका वो भर सकते हो। मेरी यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं है। शेड्यूल AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स सेक्शन 115JC के अकॉर्डिंग, तो ये भी हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है। देखो ये इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है, सेक्शन 115JC सबसेक्शन 1, तो ये हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए कन्फर्म पर क्लिक कर दो। अभी नीचे आएंगे शेड्यूल AMTC कंपटीशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JD, ये भी नहीं है, कन्फर्म पे क्लिक कर दो। नीचे आ जाओ, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम की बात करें, अब यहाँ पे टोटल इनकम बताएगा कि हाँ कितनी बनी है। तो 190 की इनकम सैलरी से बन गई, 15,000 की इनकम कैपिटल गेन से बन गई, टोटल इनकम 205,000 की बन गई। ठीक है, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। अभी नीचे आते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों देखो 4500 तक का ही टैक्स बना, क्योंकि जो 190 की इनकम बनी और 15,205 के ऊपर तो इनकम बनेगा ही नहीं ना। अगर यही इनकम 5 लाख के आसपास होती तो शायद टैक्स बन जाता, क्योंकि 12500 का टैक्स पहले ही बन जाता 5 लाख तक की इनकम पे। तो रिबेट पूरा मिल गया 87A के अंदर 4500 का, क्योंकि टैक्स बना 4500 तक का रिबेट मिल गया। यही अगर आपकी इनकम सैलरी इनकम ज़्यादा होती और सैलरी इनकम प्लस वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मतलब क्रिप्टो करेंसी की इनकम को मिलाने के बाद अगर उसका टैक्स 12500 से ऊपर जाता तो टैक्स भरना पड़ता है। 12500 तक बनता तो मुझे 12500 तक का रिबेट मिल जाता, 12500 से ऊपर जाएगा तो टैक्स भरना पड़ेगा। तो टैक्स ही मेरा 4500 बना है तो 4500 का रिबेट मिल गया, इसलिए मुझे टैक्स कुछ भरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई TDS TCS पे नहीं कर रखा है। अगर टैक्स पे किया होगा आपने तो यहाँ दिख जाएगा टैक्स पेड के अंदर, शो डिटेल्स में जाके देख सकते हो कोई टैक्स पेड किया है आपने तो वो दिख जाएगा आपको। इसके बाद ये वाला ऑप्शन पूछता है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपने प्रीवियस ईयर के अंदर कोई एसेट्स को होल्ड किया हुआ है जो कि आउटसाइड इंडिया है, या साइनिंग अथॉरिटी है आउटसाइड इंडिया में, या इनकम कोई आउटसाइड इंडिया के सोर्स का है, नहीं नो पे क्लिक कर दिया। अगर इनमें से कोई है तो यस कर सकते हो। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, रिटर्न रेडी है हमारी, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ऑथराइज सिग्नेचरी को और यहाँ से प्रोसीड टू प्रीव्यू पे। प्रोसीड टू वैलिडेशन, 6 एरर आ गए, 6 एरर में से देख लेते हैं। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वाली जो शेड्यूल है वो हमने भरा नहीं है, इसमें से शायद इनकम की डिटेल्स को भरना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे क्या भरना होता है।
वो ये देना होता है कि ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की आपने इनकम कमाई, वो शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग है या लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग, मतलब कौन से पीरियड के अंदर कमाया आपने ये, तो बेसिकली क्वार्टरली डिटेल जाती है इसकी। ये देखो यहाँ ये पूछ रहा है, ये जो आपने इनकम कमाई 15,000 की, वो कौन से पीरियड में है। यहाँ पे देखो ऊपर पीरियड मेंशन है, 15 जून तक है, 16 जून से 15 सितंबर के बीच में है, या 16 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच में है, या फिर 16 दिसंबर से 15 मार्च के बीच में। तो बेसिकली ये क्वार्टरली डिटेल पूछ लेता है। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, मेरी जो इनकम है ये है 16 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच में। सेम इनकम देनी होती है, 15,000 वाली वैल्यू ही देनी होती है, और बस इसको कंफर्म करना है, कुछ नहीं करना है। बाइफर्केशन ले लेते हैं, ब्रेकअप ले लेते हैं कि कौन से पीरियड के बीच में आपने ये कमाया है इनकम। अभी प्रोसीड टू वैल्यूडेशन, सेम वेरिफिकेशन, प्रीव्यू रिटर्न, प्रोसीड टू वैलिडेशन। सो दोस्तों देख सकते हैं इसका वैलिडेशन हो गया सक्सेसफुल। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे और यहाँ ई वेरीफाई करने वाला हूँ मैं, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया और आधार ओटीपी लूँगा पहला ऑप्शन, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब जो ओटीपी आया है वो लिखना होगा, चलिए लिख लेते हैं ओटीपी को। ओटीपी के ज़रिए अब मैं इसको फाइल करने जा रहा हूँ, सबमिट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी रिटर्न ITR2 फाइल हो गई है सक्सेसफुली। सो दोस्तों ऐसे आपको ITR2 फाइल करनी है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।